हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेक्टर कैलकुलस। आज की वीडियो में अपन वेक्टर कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर कैलकुलस जो अपना 3D के साथ में एक और बुक रहती है, अपनी 3D के साथ में ये बुक अपना अटैच रहता है वेक्टर कैलकुलस, इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3D का जो पोर्शन है वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यानी अपन यहाँ पर यूनिट नंबर जो है, दो यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब तीसरी यूनिट जो है वो अपनी स्टार्ट यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस को जानने से पहले अपने को वेक्टर्स के बारे में जो है इंट्रोडक्शन, वेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन है जो भी अपनी राशियाँ होती हैं, राशियाँ, ठीक है, वो अपनी जो भी राशियाँ होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है मोस्टली, ठीक है। पहला पार्ट होता है अपना इसका अदिश और दूसरा होता है सदिश। एक होती है अदिश राशियाँ और दूसरी होती है अपनी सदिश राशियाँ। ये आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इंट्रो के लिए ये सारी चीज़ें एक बार अपन दोबारा डिस्कस करेंगे कि जो अपनी सदिश राशियाँ हैं वो होती क्या है, किस किस फॉर्म में उनके लिए अपन जो वैल्यूज़ है उनको यहाँ पर देखते हैं। तो पहली चीज़ जो भी अपनी राशियाँ होती है वो दो तरीके की होती है, एक सदिश होती है और एक अदिश होती है। अब अदिश राशि में ऐसा क्या होता है, अदिश राशि में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। अदिश राशि से किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान का, ये सब चीज़ें जो परिमाण है उसकी मात्रा जो है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। और जो सदिश होती है उससे अपने पास है परिमाण एवं दिशा। जिन राशियों को दिखाने के लिए अपन डायरेक्शन की भी नीड रहती है वो अपने क्या होती है, सदिश राशियां यहाँ पर होती है। क्लियर है अच्छे से मेरे हिसाब से सबको ये चीज़ कि अपनी अदिश राशियां क्या होती है। अदिश राशियों में सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, अदिश राशियों को दिखाने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और जो सदिश राशियाँ होती है उनके लिए परिमाण और दिशा, इन दोनों की आवश्यकता यहाँ पर होती है। क्लियर है अच्छे से? तो मेरे हिसाब से सदिश और अदिश राशियाँ जो है वो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला जो है टॉपिक अगर अपन यहाँ देखें, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण यानी कोई भी अगर वेक्टर है अपना तो उसका रिप्रेजेंटेशन अपन किस तरह से करते हैं, सदिश का निरूपण। तो सदिश का निरूपण अपने करने के लिए क्या करना होता है, सदिश की जो भी डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन के साथ अपन उसे राशि को दिखाते हैं। जैसे मान लो मेरा वेक्टर इस तरह से है ए और इधर बी, ठीक है। मान लो इसी बिंदु पर जो है वो मेरा फोर्स लग रहा है कोई, ठीक है, या कोई भी अपन मान लेते हैं कि जिसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है, यानी जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ जा रही है। तब जब इसको अपन सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे तो सदिश के रूप में इसके प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु तक यानी ए बी लिखेंगे और ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे। जब भी अपन किसी सदिश को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, तो उस पर क्या साइन आता है, वेक्टर का साइन ज़रूर ज़रूर यूज आता है, ठीक है। उसी से अपने को पता चलता है कि ये जो वैल्यू है वो कैसी है, अपनी सदिश वैल्यू है। ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी, अच्छे से अपन इनको जानते भी है, ठीक है। उसके बाद आती है अपने रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद आता है अपना ऋण सदिश। एक होता है अपना पॉजिटिव और दूसरा होता है अपना नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ऋण सदिश क्या होता है। अगर इसी के साथ कोई डायरेक्शन है, जैसे मान लो अभी इसकी दिशा ए से बी की तरफ है, लेकिन इसका उल्टा हो जाए, इसकी दिशा जो है ऐसी उल्टी हो जाए, और जब ये उल्टा हो जाता है तो क्या आ जाता है, सॉरी, दिशा उल्टी होने का सेंस ए यहाँ है, ए और बी दोनों ही यहीं पर है अपने, बस जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अभी डायरेक्शन ये है, अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, अंतिम बिंदु ये हो जाएगा और प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ए
वेक्टर, या अगर इसको ए बी के साथ लिखना चाहेंगे तो माइनस ए बी वेक्टर, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गई, जस्ट इसके विपरीत हो गई है। तो उसको इसके लिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अगर मैं मान लो इसको ए से बताती हूँ तो ये मेरा किससे बताया जाएगा, माइनस ए से यहाँ पर बताया जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ये यहाँ पर अपना डिफरेंस रहता है नेगेटिव के अंदर। क्लियर है इतनी चीज। अब यहाँ पर देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये सारी चीज़ें जो है अपने बेसिक में आती है, सदिश का मापांक, मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर अपना गिवन है तो उसका अपन मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड का निकालने के लिए सभी को तरीका अच्छे से पता होता है, अपन उसका क्या ले लेते हैं, मॉड्यूलस ले लेते हैं। और जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा कैसी वैल्यू होती है, एक अदिश वैल्यू होती है। ये चीज़ भी आप अच्छे से क्लियरली जानते हैं कि अपना जो जो भी सदिश होता है उसका जब अपन मॉड्यूलस लेते हैं तो यहाँ पर लिखाएंगे मापांक। तो मान लो मुझे ए वेक्टर का क्या दिखाना है, मापांक दिखाना है, तो ए वेक्टर के मापांक को मैं कैसे लिखूंगी, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसके मोड लेना होता है, इसका मॉड्यूलस निकालना होता है, तो वो क्या हो जाता है, इसका मापांक के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये अपना अगला इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया है टॉपिक। ठीक है, उसके बाद रहता है अपने बात, फोर्थ बात आती है अपनी यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। नाम अच्छे से सुना होगा आपने और पढ़ा भी होगा इकाई सदिश के बारे में बहुत बार, जब अपन ने ट्वेल्थ के लिए जो सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ट्वेल्थ के अंदर अपना वेक्टर का पूरा एक पोर्शन रहता है, उसके अंदर अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। लेकिन मैं आपकी इस बुक को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको सारी चीज़ें जो है वो रिकॉल करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपका ये एक बेसिक जो वीडियो है मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया। ठीक है, तो इकाई सदिश, तो इकाई सदिश में अपन जानते हैं, जैसे मुझे ए का ए वेक्टर का क्या निकालना है, इकाई सदिश, तो मैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं, अपन कैप लगाते हैं, ये चीज़ अपन बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर क्या आता है, मोड ऑफ ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, ये जो होता है ये अपना किसके बराबर होता है, इकाई सदिश के बराबर यहाँ पर फाइंड आउट होता है। ठीक है, ये वैल्यू जो होती है किसकी होती है, अपनी इकाई सदिश की यहाँ पर होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन देखेंगे अगर अपने को इनके एडिशन देखने हो, सदिश का योग, तो वो अपन किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ, सदिश का योग, योग करने के अपने पास दो रूल होते हैं, उन दोनों रूल को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सदिश का सदिशों का योग, अब देखिए योग करने के लिए यहाँ पर आपने दो रूल पढ़े होंगे, पहला होता है त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, उन दोनों को यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। पहला नियम त्रिभुज नियम जो है उसको देखेंगे, त्रिभुज नियम। ठीक है, तो त्रिभुज नियम क्या होता है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें अपना क्या कहा जाता है कि कोई भी दो वेक्टर हैं वो एक त्रिभुज में इस तरह से व्यवस्थित है। ठीक है, ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है, तो इसका जो परिमाण होगा, ठीक है, इन दोनों का जो परिमाण होगा वो भी इसके डायरेक्शन जो है उसकी ये रहेगी। ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर कौन होगा, ये होगा। मान लो इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर है, इसका नाम जो है वो बी वेक्टर है, और इसका सी वेक्टर है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये होता है अपना ट्राइंगल लॉ, त्रिभुज नियम। सदिशों के योग के लिए पहला जो नियम होता है वो अपना कौन सा होता है, त्रिभुज नियम होता है, जिसको अपन इस तरह से डिस्क्राइब करते। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। ठीक है, अब उसके बाद अपनी बात आती है समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, समांतर चतुर्भुज नियम। अब समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि अगर
कोई भी दो वेक्टर जो अपने पास में गिवन है, ठीक है, वो समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के साथ में आसन भुजाओं से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, आसन भुजाएं तो आप सभी जानते हैं ना, इसके साथ ये आसन है, ये इसकी ये भी आसन है, इसके साथ ये आसन है। ठीक है, दोनों तरफ से आसन मतलब जिनका जो एक जो कोण होता है, एक कोना जो होता है वो कॉमन होता है, उनको अपन आसन भुजाएं बोलते हैं। इनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है, तो मान लो एक जो वेक्टर है अपना इस तरह से दिखाया जा रहा है और दूसरा अपना इस तरह से दिखाया जा रहा है, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पर जो अपन विकर्ण खींचेंगे, यहाँ पर जो विकर्ण खींचा जाएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि अगर अपने कोई भी दो अपने दो जो वेक्टर उठाए हैं वो इसके आसन भुजाओं के रूप में दर्शाए जाते हैं, तो इनका जो योग होगा वो इसके विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, यानी सी वेक्टर जो है इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन ये आएगा कहाँ से, ये इसके विकर्ण के हेल्प से यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर भी अपना ट्राइंगल तो फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो सदिशों के बारे में जो जनरल सा इंट्रोडक्शन था वो अपन ने यहाँ पर आज के वीडियो में देखा है कि सदिश जो होते हैं वो होते क्या हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो शामिल होती है, उनका निरूपण कैसा होता है, उनका मापांक कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये तो सारी चीज़ें हैं जो अपनी बेसिक चीज़ें हैं उनको अपन ने आज के वीडियो में देखा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो अपन ने सदिशों के योग के लिए जो दो रूल देखे हैं, पहला अपना ट्राइंगल लो और दूसरा अपना समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में लो। आज के वीडियो में अपन ने इतना ही देखना है। आज के वीडियो में जो जो भी देखा गया है, जो भी अपन ने पढ़ा है, इसको एक बार आप ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।